तरक्की करेगा वो। इज अ फाइन यंग मैन, लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। यस, वी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू राइज राइज एंड राइज। द स्काई इज नथिंग। मुझे नहीं मालूम उमर, लेकिन ये गलत है। शायद सुबह से शाम तक मैं दफ्तर में होता हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे इंतजार की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। एक्सक्यूज मी, आई अंडरस्टैंड कि आप तो टैलेंट को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन केनान, दिस इज मेम्फिस एयर। जी फरमाइए। जी, मुझे फाइनेंस की दुनिया के अहम तरीन शख्सियत कॉर्पोरेट जायंट जनाब उमर फारूक साहब से शर्फ मुलाकात हासिल करना है। वो तो जी अपनी खाबगाह में आराम कर रही है। यहाँ एक पब्लिशर के पास थीसिस बुक फॉर्म में छप रहा है। वाह भाई वाह, तू तो डॉक्टर हो गया है। होना क्या, वो कल के लड़के को उठा के सारे का सारा असाइनमेंट दे दिया। उस कंपनी के पिछले 5 बरस से अकाउंट्स मैं डील कर रहा हूँ। ताकत, हाँ ताकत, जो इस वक्त तेरी बातों में है, तेरी आंखों से सलक रही है। जहांगीर, तू बैंक बनाएगा? तेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ उमर, मैं बैंक बनाऊंगा। लव सपने होने चाहिए उमर, देयर इज नो वन वे टू डिफाइन इट। और वैसे मैं इस बात के कायल हूँ कि लाइफ इज नॉट अ रिहर्सल, वन शुड लीड इट द वे वन वांट्स। ये मुआशरा, रिवायत वगैरह वगैरह, देयर ऑल शैकल्स अपॉन वन सेल्फ। अब आप रेडी हैं? वाओ शैला, इट्स गॉर्जियस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। वाओ, क्या चेंज आया है, अमेजिंग। इन गरीब लोगों को कर्ज नहीं दे सकते, दे आर नॉट क्रेडिट वर्थी। आई थिंक इट्स द बैंक्स हु आर नॉट पीपल वर्थी। उमर, कोलैटरल इज देयर। लेकिन सर, वो पहले तो बैंकों के पास प्लेस्ड है, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है उमर, कुछ भी हो सकता है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज माय डियर।
शैला तुम कब आए? क्या बात है, इतनी खामोश खामोश क्यों? पता नहीं उमर, बस ऐसे ही। ये बाल कब कटवाए? क्यों, इसके लिए पहले इजाजत लेना जरूरी थी क्या? नहीं, लेकिन तुम पे लंबे बाल सूट करते थे। खैर चलो, तुम्हारी मर्जी। जरूरी नहीं इंसान ने जो भी कुछ किया हो उसमें उसकी मर्जी शामिल हो। क्यों, किसी ने जबरदस्ती काटे तुम्हारे बाल? नहीं, ये मैंने कब कहा। खैर छोड़ो, छांगे भाई का फोन आया था, वो खैरे से पहुंच गए। अच्छा, अब्दुल सो गया है क्या? कोई काम था क्या? ऐसे बस चाय का दिल कर रहा था। शैला, क्या हुआ है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अकेले में डर लग रहा था। लेकिन अब तो तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मेरी मौजूदगी में भी तुम्हें तन्हाई महसूस होती है? उमर प्लीज, तुम जल्दी घर आ जाया करो। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी अकेलेपन में मुझे ये घर पूरी दुनिया जितना बड़ा लगता है, रियली। और कभी लगता है मुझे कि मैं इस दुनिया में भागती भागती धूल की तरह बिखर जाऊंगी। डर एक जिद्दी बच्चे की तरह होता है। इसका यह मतलब नहीं कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसको उसी तरह कंट्रोल करो जिस तरह एक जिद्दी बच्चे को कंट्रोल किया जाता है। काश ये सब कुछ इतना ही आसान होता उमर, जितना कि तुम कह रहे हो। कभी तुमने कांटों में फंसा हुआ कपड़ा देखा है उमर? खौफ के साथ रहना इसी तरह होता है। जिस्म कच्चे टाकों की तरह उधड़ता हुआ महसूस होता है। प्लीज तुम जल्दी घर आ जाया करो। जो कुछ तुम मुझे करने का कह रहे हो इसमें सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। प्लीज। ओके शैला, जैसे तुम कहती हो वैसे ही होगा, ठीक है? नाउ रिलैक्स प्लीज। चाय बना दो। लाती हूँ। शहर में आ गई हो, यहाँ पर और बहुत कुछ है करने को, और वैसे भी शुरू शुरू में तो तुम्हें बोरिंग लगेगा, but you're really going to enjoy over here. लेकिन हमारी तो अभी नई नई शादी हुई है। So what? This is all very normal. ये भी कोई जॉब हुई कि इंसान घर ही नहीं आ सकता अपने? This is all very normal. तुम्हें पता है कि अगर कभी ना से टाइम पर घर आ जाए ना, तो मैं समझती हूँ that there is something wrong. लेकिन सारा, घर भी इतना ही जरूरी होता है इंसान के लिए जितना उसकी जॉब। हाँ होता है, लेकिन जिस जगह तुम्हारा हस्बैंड है ना, वहाँ घर साथ साथ ट्रैवल करते हैं। आई मीन जिस जगह बैठे हैं वही जगह आपका घर है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों सब कुछ अजीब सा लग रहा है।
ओह कम ऑन, कोई बात नहीं, आधी हो जाओगी जिंदगी की तुम भी। लेकिन सारा, मैं सिर्फ एक चीज की आदी हूँ। सिर्फ एक चीज? वो क्या भाई? उमर की। उमर की? I don't understand. कुछ लोग बिल्कुल आदत बन जाते हैं, पक्की आदत। वो एक शेर है ना, तू अब मेरी आदत है और ये आदत रहनी। ओह फॉर गुडनेस सेक शैला, ये सब पुरानी सोचें हैं। और वैसे भी यू कैन ऑलवेज चेंज योर हैबिट्स। और उमर है भी तो इसी शहर में, ऑलवेज अराउंड यू, एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर यू। कम ऑन, एंजॉय योरसेल्फ। क्या मतलब है, इस तरह थोड़ी कोई रह सकता है। और वैसे भी आई एम सॉरी, किसी एक शख्स के लिए मैं अपनी जिंदगी इतनी महदूद नहीं कर सकती। यू नो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। जब एक शख्स ही सारी जिंदगी होना सारा, तो उसका ना होना तन्हाई से भी ज्यादा तन्हा लगता है। ये कैसी बातें कर रही हो शैला? आई थिंक यू रियली नीड अ चेंज। आओ मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाती हूँ। लेकिन कहाँ सारा? जहाँ भी तुम कहो। मैं तो उमर का इंतजार कर रही हूँ। ओह माय गॉड, उमर का इंतजार फिर कभी कर लेना। अभी चलो मेरे साथ, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यू लुक गुड टुडे। पता नहीं सर। अपने बारे में तो पता होना चाहिए उमर। बट देन यू आर ओनली ह्यूमन, इजंट इट? नाश्ता करोगे? No, sir, thanks. I'll just have tea. Great. You know, Umar, nashta hamare din ki sabse ahem cheez hai. First important thing. Is par hamesha dhyan diya karo. Your day's horoscope. Day's horoscope? Yes. ये जो forces of nature है ना, ये हमारी choices को note करती हैं और हमारी first choice के मुताबिक हमारा सारा दिन determine हो जाता है। सर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मेरी मियां साहब से मीटिंग हुई है। आई डोंट थिंक दैट इट्स वायबल। देखें, कंपनी का नाम चेंज कर देना, डायरेक्टर्स का नाम चेंज करके फिर फाइनेंस करना, सर आई थिंक वी जस्ट थ्रोइंग आवर मनी अवे। पैसा कमाने के लिए पैसा तो फेंकना पड़ता है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन सर ये हमारा बहुत बड़ा फाइनेंस है और इतना बड़ा फाइनेंस सिंपल हाइपोथेकेशन पर। ये तुम किस किस्म की बैंकिंग की बात कर रहे हो उमर? इट्स टोटली अपसेट। हाइपोथेकेशन तुम्हारा ख्याल है कोई बड़ी सिक्योरिटी नहीं। जरा मुझे अपनी उंगली पकड़ाओ। सर उंगली? ओह कम ऑन, योर फिंगर प्लीज। नाउ यू सी, हालांकि मैं
तुम्हारी 5 फुट 10 इंच लंबी बॉडी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पकड़े हुए हूँ। But you can't move. I'm holding your whole body. I'm possessing you. This is hypothecation. You can't move. तुम कहीं नहीं जा सकते। You know, Umar, अगर आईने पर गर्द पड़ी हो तो नजर तो फिर भी आता है, लेकिन सारा विजन बंधा बंधा सा, कैद कैद सा नजर आता है। साफ देखने के लिए आईने को साफ करना पड़ता है। And once your vision is free, there are no hiccups. सर, मेरी नजरों पर धूल का खिलाफ नहीं चढ़ा हुआ। I know what I can see. यही तो तुम गलती कर रहे हो। Never trust what you see. तुम्हारी आंखें तुम्हें किसी चीज को पूरा नहीं दिखाती, सिर्फ उसका एक हिस्सा दिखाती है। अगर तुम किसी चीज को पूरा देखना चाहते हो तो अपनी इंस्टिंक्ट्स को इस्तेमाल करो। उसको छू सकते हो तो छूओ, चख सकते हो तो चखो। यूज योर हार्ट, योर माइंड, योर होल बॉडी, योर होल बीइंग। सर, ये तो बहुत सारी आसान चीजों को मुश्किल बनाने वाली बात है। मुश्किल? मुश्किल कुछ भी नहीं है उमर, नथिंग। तुम्हें मालूम है ये अंडा रूह का सिंबल होता है। अंडा खाओगे तुम? नो सर, थैंक्स। सीढ़ियां साथ चढ़ते हैं, यू नो दे हैव टू स्टॉप हाफवे। सीधे मैं कुछ समझा नहीं। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो जो कुछ मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छी तरह। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, अब इंसान एक लाफिंग स्टॉक बन जाता है। सीधे व्हाई डोंट वी टॉक स्ट्रेट एंड डायरेक्ट? फिलहाल इतना ही काफी है। एंड आई नो हाउ टू मेक पीपल लाइक यू स्ट्रेट। तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है जितना मेरा तजुर्बा है, समझे? सुनो, लिसन केयरफुली। तुम कभी क्रिस्टोफर जॉन नहीं बन सकते, बिकॉज यू डोंट हैव दैट माइंड एंड मैटर। जनाब। सर, मैं आपके पास एक प्रपोजल लेकर आया हूं। जी फरमाइए। मेरे साहब, मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है फॉर फर्दर रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग क्या मतलब? देखिए मेरे साहब, आप कभी ऐसे लोगों से मिले होंगे जिन्हें अगर हम 5,000 रुपए भी दे दें तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। वो लोग अपना खाना कमाना शुरू कर सकते हैं। मुझे उन लोगों के लिए पैसे चाहिए। देखिए, लोन तो आप मांग रहे हैं और बैंक रूल्स के मुताबिक लोन जिस मकसद के लिए लिया जाता है उसे उसी मकसद के लिए इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो मैं कौन से किसी और मकसद के लिए लोन मांग रहा हूँ? मेरा भी तो यही मकसद है। आई एम सॉरी, लेकिन इसके लिए हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है।
पॉलिसी नहीं, मैं समझा नहीं बैंक का क्या मकसद है मैनेजर साहब? प्रोक्यूरिंग फंड्स एंड इन्वेस्टिंग देम इन द चैनल्स वेयर दे आर मोस्ट रिक्वायर्ड। लेकिन हम रूल्स के खिलाफ कैसे चल सकते हैं? अलबत्ता मैं आपको इस कदर फेवर ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आप उस रकम के मुताबिक सिक्योरिटी ला दें तो मैं आपको लोन दे देता हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है, नो सिक्योरिटी, लेकिन मैं आपको जो प्रपोजल दे रहा हूँ इससे पहले शायद इतना सिक्योर कोई भी एडवांस में ना हुआ। देखिए आपकी प्रपोजल सिक्योर होगी लेकिन इसके लिए बिल्कुल एक नए प्रोसीजर की ज़रूरत होगी और हमारे रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देते। रूल्स 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 कैसे हैं रूल्स जो गरीबों को कभी फ़ायदा नहीं पहुँचाते? क्या सारे रूल्स अमीरों के लिए बनते हैं? देखिए ये आपकी राय हो सकती है लेकिन इस वक्त मैं आपको कोई फेवर नहीं दे सकता। थैंक यू वेरी मच। करण से बहुत सीखा है। He's a great man. Man? लेकिन फिर भी you know, sometimes I get stuck. तुम्हारे साथ भी होता है ऐसे? हाँ sometimes. तो तुम क्या करती हो? मैं टॉस करती हूँ। हेड्स नो, टेल्स यस। वेल नॉट एग्जैक्टली, पर जिस किस्म की सिचुएशन तुमने बताई है ना, कम से कम मैं तो ऐसा ही करती। नॉट बैड, इस तरह आप सारा बोझ किस्मत पर शिफ्ट कर देती। खैर वैसे हर लम्हा ऐसा नहीं होता है, कुछ लम्हे बहुत डिसाइसिव होते हैं। You know, they bring their divisions with them. Maslan? Maslan, mohabbat. Umar, tumne kabhi mohabbat ki hai kya? Haan. Ki hai? कैसी होती है ये मोहब्बत? I don't know. क्या मतलब? I mean, how does it feel? क्या तुमने कभी मोहब्बत नहीं की? अभी तक तो नहीं। I don't know. It's like an earthquake. Earthquake? हाँ उमर, अचानक, बिल्कुल अचानक एक चेहरा आपके सामने आता है and then nothing remains the same. Thank you.
वैसे शाम में क्या करते हो ऑफिस के बाद? शाम मिलती ही कहाँ है, रात तक ऑफिस में होता हूँ, उसके बाद तो उसे एक बिस्तर मिलना चाहिए जिसपे इंसान जाके सो जाए। जो शामें होती है ना उमर, बहुत खूबसूरत होती हैं। शामें मिस नहीं करनी चाहिए। किसी शाम आओ ना मेरी तरफ। हाँ, क्यों नहीं? तो चले? हाँ हाँ चले। कहाँ? We're going to office, right? तुमने भी कहा था कि शाम मिस नहीं करनी चाहिए। तो अभी शाम होने वाली है। I don't want to miss it. जहाँ तुमने इतनी शामें मिस की हैं, वहाँ एक और शाम से क्या फर्क पड़ता है? No, फर्क तो नहीं पड़ता। अब्दुल, देखो दरवाजे पे कौन है। अब्दुल देखो भाई। ऐसा होता है कभी कभी, आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं एंड ही इज देयर। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं यू लुक गुड। बस ऐसे ही थोड़ा चेंज के लिए। अपने मेहमानों से इसी तरह मिलती हैं। जी। ओह, आई एम सो सॉरी। प्लीज कम इन। आफ्टर यू। ओके। क्या हुआ, डर गई? तुम्हारा क्या ख्याल है, इससे मुझे डरना नहीं तो और क्या करना चाहिए था? वो आए थे। वो कौन? किनान।
Are you all right, Shaila? Kanan और यहाँ? हाँ वो आए थे। उमर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। पता नहीं क्यों उनके चेहरे से अजीब सा लग रहा था कुछ। या फिर मुझे मालूम नहीं क्या हो गया। जैसा लग रहा था जैसे जैसे मैं ही उनके इंतजार में थी या मैंने उन्हें बुलाया था। उमर आज तक मैंने किसी से इतनी ज्यादा इतनी देर तक बात ही नहीं की। तुमसे भी नहीं तुमसे भी नहीं। कब आए थे? सुबह आए थे और कब आए थे? सुबह कितने बजे? एक वही 10-11 बजे। शैला क्या हो गया तुम्हें? तुम आजकल कोई गोलियां वोलियां तो नहीं खा रही? सुबह 10 बजे कनान साहब की मेरे साथ मीटिंग थी, उसके बाद एक और मीटिंग शुरू हो गई, वो यहां कैसे आ सकते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं झूठ बोल रही हूं? आई स्वेर वो आए थे और 3 दफा उन्होंने कॉफी पिए। अभी भी वो कप किचन में पड़े हुए तुम जाके देख सकते हो। आहिस्ता शैला आहिस्ता। मुझे कोई परवाह नहीं है। कोई सुनता है सुने, नहीं सुनता नहीं सुने। पहले तुमने मुझे झूठा कहा और फिर उमर ये सब क्या है? तुम जिन औरतों से मुझे मिलवाते हो उनके चेहरों में मुझे अजीब और गरीब ड्राउनी शक्लें नजर आती हैं। तुम कह रहे हो कि किनान तुम्हारे साथ था और जबकि वो कई घंटों यहां बैठ के गए, कई घंटों। कम ऑन शैला कम ऑन, क्या हो गया तुम्हें? खुद को संभालो। इस तरह तो तुम किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? पैसा है, घर है। घर दौलत किस चीज के लिए होता है उमर? सुकून के लिए होता है। और मैं हर लम्हे मेरा सुकून खत्म होता चले जा रहा है। मैं अंदर बाहर से खाली होती चली जा रही हूं। तुमने अपने लिए नए नए सूट बनवा लिए हैं, गाड़ी तुम्हें मिल गई है, बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स मिल रही हैं और बड़े बड़े लोगों से तुम्हारे ताल्लुकात हो रहे हैं। उमर ये सब चीजें तुम्हें मुझसे दूर कर रही हैं। सुनो शैला मेरी बात सुनो, रिलैक्स प्लीज। सबसे पहले तुमने बाल कटवाए, उसके बाद तुमने कहा कि तुम्हें औरतों की शक्लों में अजीब अजीब शक्लें नजर आती, फिर तुमने कहा कि कलान साहब यहाँ है, इसके बाद तुम उमर उमर इन चीजों का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे पता था तुम यही कहोगे। मैं अकेली होती हूँ उमर। ये दीवारें, ये सोफे, ये कुर्सियां, ये सब मुझे डराती है और मुझे खौफ आता। शैला मेरी तरफ देखो। शैला ये सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा शैला, ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस। I think you have a problem. नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। उमर झूठ बोलना एक आर्ट है, a very delicate art. सर वो एक्चुअली मेरी
बीवी का जरा मसला है बस। बीवी, बीवी। तुम देर से आते हो, मुझे वक्त नहीं देते हो, मैं अकेली हूँ, मुझे विजन आते हैं, मैं डरती हूँ, यही सब कुछ कहती है ना। सारी औरतें एक सी होती हैं उमर, they're all the same. Come, walk with me. Yes, sir. Come, come. जी हाँ, लेकिन उसकी जरूरत सिर्फ जंग में होती है। Oh, no, 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 no. उसकी जरूरत यहाँ है, इस वक्त, अभी। और टारगेट सेंस कॉमन सेंस की तरह हर वक्त हमारे साथ रहनी चाहिए। ये दुनिया बहुत जालिम है उमर, इसके लिए दो आंखें काफी नहीं है, एक आंख सर के पीछे होनी चाहिए। You want to try? जी, why not? डरते हो? डर किस बात का? शायद तुम पार्ट ना कर सको। शायद। फिर तो तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। If you miss it, you'll acquire patience. इंतजार करना आना चाहिए उमर। इंतजार से मुझे बहुत खौफ होती है। इंतजार के चक्कर में इंसान बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देता है। अपॉर्चुनिटीज कभी मिस नहीं होती है माय बॉय। They wait for you in the parking lot. बस वक्त पर काबू होना चाहिए। Time is like this ball, round.